नमस्ते एंड जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम देखेंगे काली माता का आपके लिए क्या मैसेज है, माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपकी जो भी विशेष है आप मन में रखिए, शायद माता रानी आपको ये आंसर दे दे। और ये एक जनरल रीडिंग है, अगर ये आपको रेजोनेट नहीं होता आई एम वेरी सॉरी। मैं तो चाहूँगी सभी से रेजोनेट हो और आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाए। अगर आंसर्स मिलते तो प्लीज़ कमिटमेंट डेफिनेटली लिखिएगा। स्ट्रेंथ, माता रानी ये कहना चाहती है कि अगर आप अभी उदास हो और किसी टेंशन की वजह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो तो ये गलत है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ सही होगा आपकी लाइफ में, आप जो चाहते हो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। माता रानी ये भी कह रही है अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो मत डरिए, माँ आप लोगों के साथ है, आप प्लीज़ फिक्र मत कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। और क्या कह रही है मेरी, एट ऑफ वॉन्स, अगर आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी। पार्टनर का मैसेज, जॉब इंटरव्यू का रिप्लाई, किसी दोस्त का मैसेज, किसी रिश्तेदार का मैसेज या कॉल आने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये तो खुशखबरी दे दी माने। आपकी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर आपने बहुत कुछ दिया है लोगों को, अब इक्वल होगा, अब लोग भी आपको देंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, जो कभी कभार ऑन एंड ऑफ आती थी अब परमानेंट आएगी। यहाँ पे कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, सो प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, माँ से कहिए कि माँ मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो माँ यही कह रही है कि फिक्र मत कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। अगर उनको आना होगा आपके पार्टनर को तो वो आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। और माता रानी क्या कहना चाहती है, कोई बहुत तेजी से आपकी जिंदगी में वापस आने वाले हैं, कोई बहुत तेजी से आपकी जिंदगी में वापस आने वाले हैं, कोई खुशियाँ, कोई मैसेज, कोई इंसान। हाँ तो बहुत सारी खुशियाँ दे रही है आप लोगों को, खुशखबरी पे खुशखबरी दे रही है। और क्या है माँ, और कुछ कहना चाहती हैं आप मेरी YouTube फैमिली से। माँ आपको ये कह रही है कि आप प्रेयर्स कीजिए, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन होते हैं, अलग अलग टाइप की प्रार्थनाएं होती, वो कीजिए और जो चाहिए वो मांगिए, माँ देने के लिए रेडी है। इंतज़ार मत कीजिए, आपके पास सारे टूल्स हैं, आपको इस्तेमाल करना है, माँ ये कह रही है। माँ
माँ आपको ज्ञान देना चाहती है, आप मेडिटेशन में बैठे, माँ आपसे बात करना चाहती है, शायद डायरेक्टली ना करे पर आपको रास्ता दिखाएंगी, आपको कुछ ना कुछ किताबें देंगी या कोई वीडियो से नॉलेज देंगी, या शायद ये एक वीडियो आपके लिए एक मैसेज होगा। माता रानी क्या कहना चाहती है? आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी ढेर सारे खुशियों के साथ। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, देन माँ ये कह रही है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएगी, एक न्यू बिगनिंग होगा, आपकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी। जैसे सूरज ढलता है तो रात होती है, बट अगले दिन सुबह होती है, तो आपकी जिंदगी में भी सुबह आएगी, रोशनी होगी, खुशियाँ आएगी। और माता रानी क्या कहना चाहती है? और कुछ कहना चाहती है? फोर ऑफ वॉन्स, ओ माई गॉड। माता रानी ये कहना चाहती है कि बहुत लोगों की शादी हो सकती है। अगर आप घर लेने का सोच रहे थे तो आपका घर भी फाइनल हो सकता है। आपकी लाइफ में अगर पैसों की दिक्कत आ रही थी तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे तो डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पे माँ डेफिनेटली आपके, अगर कोई आपको बहुत मिस कर रहे थे, कोई पार्टनर आपसे दूर थे, तो वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पे ढेर सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। माँ भर भर के खुशियाँ दे रही है आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए और कमेंट में जय माता दी डेफिनेटली लिखिएगा, सो दैट ये एनर्जी आपको क्लेम हो जाए। क्या कहना चाहती हूँ मैं? अगर कुछ ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में तो वो अच्छे के लिए ख़त्म हुआ था, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर देता। वो नेगेटिविटी सही नहीं थी आपकी लाइफ में, इसीलिए वो ख़त्म हुआ था। सो माँ यही कह रही है कि आप फिक्र मत करिए, आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आप अभी डिसबैलेंस महसूस करते हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, हार्मनी आएगी। और दूसरी बात माँ ये भी कह रही है, अगर आप पानी कम पीते हैं तो प्लीज़ पानी पीजिए, खाना टाइम पे खाइए, पानी पीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। या तो पुराना प्यार वापस आ रहा है, या तो कोई नया प्यार आ रहा है। आप जो चाहते हो वो आएगा। बहुत लोगों को यहाँ पे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। सबकी लाइफ में खुशियाँ आएगी। अगर भर भर के दुख था तो भर भर के प्यार, भर भर के खुशियाँ आने वाली है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वही आपको मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, प्लीज़ डाउट मत कीजिए इस एनर्जी पे। अगर डाउट करोगे तो नुकसान आप ही का होगा। आपकी सोच में क्लैरिटी लेकर आइए, क्योंकि जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है वो बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, शादी हो सकती है, शादी नहीं तो आप करियर में कोई टीचिंग जॉब ले सकते हो, या तो आपको कोई नया गुरु मिल सकता है, या तो आपको एक नया गुरु मिल सकता है। पर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नया टर्न आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। लास्ट कार्ड निकालूंगी माँ का।
माँ क्या कहना चाहते हो लास्ट में मेरी वीडियो फैमिली से? हाँ ओके, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, माँ ये कहना चाहती है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो सोच समझ के प्लानिंग कीजिए, किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। अगर आपको धोखा मिला है ऑलरेडी तो आपकी ज़िंदगी में आगे मूवमेंट होगी, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो प्लीज़ अपना ऑरा लॉक कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने अपनी सारी बातें लोगों को मत बताइए, क्योंकि आपकी लाइफ में फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए ब्लॉकेजेस मत क्रिएट कीजिएगा, किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। माँ ये कहना चाहती है। और बाकी सब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम, आप माँ पे छोड़ दीजिए, आप माँ को दे दीजिए, अपने सारे प्रॉब्लम्स माँ सॉल्व कर देगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी। माँ आप सभी की इच्छा पूरी करें। थैंक यू।